श्रीकाल जी, वॉइस ऑफ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। कहिंदे ने इंसान छोटी उम्र तो ही अपने सपनों को सजाना शुरू कर दिंदा है ते उन्हां सपनों को पूरा करने लई जी जान की कोशिश करता है ते अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है। इसे तरह ही अज आप बैठे हैं जलंधर शहर के विच ते उस बच्चे दे नाल जिन्हें छोटी उम्र के विच ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करके उन्होंने खुशी दी है ते साडे नाल हाजर ने वो शख्सियत। आप गलबात करते हैं उन्होंने नाल। थर्ड प्राइज आया तो बाद मैं पांच साल तो लगातार विनर आ रहा स्कूल कॉम्पीटिशन्स ते। तो मेरे डांस टीचर ने दसिया कि मेरे डांस च ना एक्सप्रेशन भी है। मेरे पापा ने दसिया तो पापा ने एक ऑफर आई सोंग भी लै जाना बाय सिद्धार्थ मोहन तो उन्होंने मैं वो गाना किया। उस तो बाद मैं एक और गाने की ऑफर आई टप्पे उस आदित्य सिंह शर्मा नाले सिद्धार्थ मोहन भी सी। हौली हौली मैं कोलगेट की एड्स भी की बायो रिसर्च भी की ते बाद चो ऑनलाइन ऑडिशन्स देंदे रहे ते सिलेक्ट हो गया। जदों थोड़े ऑडिशन्स आए ते तुसी जदों इहदा ऐड कीतिया उस वेले जिहड़ी थोड़ी पहली फीलिंग सीगी जां उस वेले तुसी की महसूस कीता? उदों मैं थोड़ा जिहा नर्वस सीगा क्योंकि मैनूं कुछ नहीं पता सी लाइटिंग्स मेकअप्स कुछ नहीं पता सी ना ते हौली हौली करके ठीक हुंदा रहा। ते उस दौरान जदों तुसी अपनी पहली मतलब पूरी की सफ़र स्टार्ट किया तुसी अपनी जिंदगी का ते उस वेले मतलब तुहानू की फीलिंग सी ते तुसी उस वेले की सोचदे सीगे कि जिंदगी दी कीड़ी चीज़ तुसी हासिल कीती? उस वेले तो मैं सोच रही सी हले होर भी मेहनत करनी है ताकि होर वड्डे मुकाम ते आवां ताकि अपने पेरेंट्स नूं अपने उत्ते प्राउड करन दा हक। ते जदों तुहाडी सीरियल दे विच सिलेक्शन हुई सीगी ते उस वेले जिहड़ी तुहाडी फीलिंग सीगी ते तुसी जदों तुहानू पता लगा कि तुसी इहदे विच सिलेक्शन हो गई है ते उस वेले तुहाडा ते तुहाडे घरदिआं दा की रिएक्शन सी? सारे ते एकदम शॉक्ड सीगे ते मैं भी शॉक्ड सीगा कि इन्ना वड्डा सीरियल ते उस तों प्राउड भी सारे बहुत खुश हो गए सी प्राउड भी कर रहे सी। तुसी दस्सिया कि तुहाडे टीचर नूं पता लगा कि तुहाडे अंदर डांस मूव्स हैगे ने एक्शन्स हैगे ने तुहानूं नहीं लगा कि किसे वेले कि तुहाडे अंदर भी वो पैशन हैगा या तुहाडे अंदर तुहानूं नहीं कदी महसूस होया? मैनूं इदां बस एक्टिंग दा कुछ इदां लगदा सी कि इदां एक्सप्रेशन देने आ ते हौली हौली मतलब कि टीचर नूं पता लग्गिया। ते हुण तुहाडे आने वाले प्रोजेक्ट्स की गल करिए ते तुहाडा आने वाला जिहड़ा भविख आ या तुसीं की सोचदे हो कि तुसीं होर की बनना चाहुंदे हो? मैं तो वड्डा होके एक्टर ही बनना चाहना ऑलराउंडर एक्टर ही ऑलराउंडर। तो जो थोड़े फ्रेंड्स वगैरह जो उन्होंने तुम्हें मिलते हैं तो उन्होंने की कहते हैं थोड़ा किमें फील होता है? वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो भी बहुत खुश होंगे ने कि साडा दोस्त। तो तुम हूँ अगे जोड़े थोड़े दोस्त है या आने वाली पीढ़ी में की संदेश देना चाहते हो कि वह किस तरह अपनी जिंदगी के सफर को तय कर? देखो मेहनत करो वड्डे मुकाम ते आओ अपने बस पेरेंट्स नूं खुश रखियो। जिवें तुसीं देखिया आपां गलबात कीती सक्षम दे नाल उहदा इही कहना है कि जिंदगी दे विच सिर्फ माँ बाप का नाम रोशन करो ते अपनी कामयाबी हासिल करो। इसे दे नाल ही साडे नाल जुड़े ने सक्षम दे सिस्टर ते आपां गलबात करदे उहनां दे नाल। सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल। तुहाडा नाम? कृतवी। कृतवी, तुसी मैनूं पहला ये दसो कि जो सक्षम की सिलेक्शन हुई उस वेले तुहाडा फर्स्ट रिएक्शन की सीगा? मैं पहली गल मैं तो बहुत शॉक्ड सी, पहला तो विश्वास ही नहीं हो रहा सी, बहुत ज़्यादा खुशी सीगी, बहुत ज़्यादा ही खुशी सीगी, वो शब्द च बयान नहीं हो सकती। जदों सक्षम की सिलेक्शन हुई तो फिर हूँ जिदा आले दुआले के लोग या जो फ्रेंड सर्कल भी हो सकते थे रिश्तेदार उन्हों का की कहना तो जो थोड़ू इदा दल्ला सुनने मिल रही तो थानू की फील होंगे? मैनू बहुत ज़्यादा प्राउड फील होंगे, सारे कहने तेरा भरा कि वड्डा एक्टर बन चुका है हूँ तो वो भी सारे दसते हैं कि मेरी फ्रेंड का भरा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होंगे। तो फिर इसनों लैके कभी तुम भी सोचा कि तुम भी इस लाइन से कभी जाने बारे सोचा?
नहीं मैं नहीं मेरा मैं मैनू इस लाइन च इंटरस्ट नहीं है मैनू ज़्यादा आर्ट विच इंटरस्ट है तो मैनू मेडिकल या डॉक्टर बनने ज़्यादा इंटरस्ट है। ठीक है तो तुम सुने आप गलबात की उन्हों की सिस्टर के नाल तो उन्हों का भी यही कहना है कि मतलब उन्होंने जो उन्होंने सक्षम की जी सिलैक्शन हुई उस वे उन्होंने बहुत प्राउड फील होया। इस असी गल करते हैं सक्षम के दादी जी के नाल। सत श्रीकाल मैम, तुम दसो कि जो सक्षम की सिलैक्शन हुई तो जो थोड़ा पता लगा कि यदि सिलैक्शन होगी सीरीयल उस वे जी पहली फीलिंग सी दस नहीं सकती इन्ने खुश से है उस ईश्वर का शुक्र कर रही सी मतलब आप कि दस सकते हैं तो अपनी खुशी में बहुत ज़्यादा अपने गुरु महाराज का अपने परमात्मा का माँ का शुक्र कर रही सी परमात्मा मेरे बच्चे को कामयाबी दी क्योंकि मैं बहुत मेहनत करते देखती सी जो कोई बनाते तो बहुत बहुत देर करते तो मैं घबराहट पैंती सी मुठ के बाहर चल जाती ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ MBD ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਸਕਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਸ਼ਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਾ ਪੰਡਿਤ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।